सो हेलो गाइस, अभी गर्मी का मौसम है और इन दिनों हम जूस, रसना, पेप्सी वगैरह वगैरह चीज़ें पीते हैं और इनमें से एक चीज़ हमारे मन और हमारे शरीर दोनों को बहुत पसंद है। जी हाँ, मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। ग्लूकोज हमारे शरीर का मेन एनर्जी सोर्स है। इनफैक्ट जब किसी को बहुत कमजोरी हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है तब डॉक्टर अक्सर ग्लूकोज की बोतल चलाने को कहते हैं। इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए, जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ग्लूकोज वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से ग्लाइकिस और ग्लूकोज से आता है, जिसका मतलब है स्वीट वाइन। इसमें जो ओस लगा है ये सफिक्स है। ऐसे सफिक्स और प्रीफिक्स केमिस्ट्री में यूज़ होते रहते हैं। इन्हें आप उपसर्ग और प्रत्यय जैसा समझ सकते हैं। वैसे तो ग्लूकोज जानवर, इंसान, जीव जंतु सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखे जा सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज मेन तौर पर पेड़ पौधों और बहुत सी एल्गी में पाए जाते हैं। हमें भी पेड़ पौधों से ही खाना मिलता है, इसलिए जाहिर है कि हमारे अंदर भी ग्लूकोज तो होगा ही। अगर ग्लूकोज हमारे खून में है तो उसे ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज को सिंपल शुगर कहते हैं क्योंकि हमारा शरीर ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, न उसे तोड़ता है न उसे बदलता है। जब भी आप खाना खाते हो तो आपका शरीर उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या शायद कुछ और। लेकिन हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान देना है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोज आता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसलिए ग्लूकोज का केमिकल नेम C6H12O6 है। कार्बोहाइड्रेट को आप शुगर कह सकते हैं। इसी में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज इत्यादि आते हैं। ये सब शुगर के प्रकार है। एक मॉलिक्यूल वाले को मोनोसैकेराइड कहते हैं, दो मॉलिक्यूल वाले को डाइसैकेराइड, और भी बहुत कैटेगरीज होती है, लेकिन हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल वाले को कहते हैं, यानी मोनोसैकेराइड। इस शब्द से डरने की ज़रूरत नहीं है। सैकेराइड को आप कार्बोहाइड्रेट या शुगर या ग्लूकोज भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको कई चीज़ों से मिलता है, जैसे गेहूं, चावल, हनी, अंगूर और भी कई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बीजों में। और ग्लूकोज भी आपको इन चीज़ों से मिलता है। जब भी आप रोटी, चावल या कुछ भी ऐसा खाते हो जिससे कार्बोहाइड्रेट मिले, तो वो खाना कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। वो कार्बोहाइड्रेट भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और ग्लूकोज रिलीज होता है। ये ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाता है, लेकिन इसे हमारे खून की कोशिकाओं में जाना है, यानी रेड ब्लड सेल्स में, ताकि हमारे सेल्स को ऊर्जा मिल सके। इसके लिए हमारा पेंक्रियास यानी पाचन तंत्र के बीटा सेल्स इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। ये इंसुलिन बिल्कुल एक चाबी की तरह होते हैं जो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने में मदद करते हैं। लेकिन ज़्यादा ग्लूकोज लेने से, मतलब ज़्यादा खाने से क्या होता है? ऑफकोर्स इंसान मोटा हो जाता है। इंसुलिन जो है वो सेल्स को जितना ग्लूकोज चाहिए होता है उतना दे देता है, बाकी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर और मसल्स में स्टोर करके रख देता है। और अगर इंसान ज़्यादा खा लेता है, यानी इतना ग्लूकोज बच जाता है कि वो लीवर और मसल में स्टोर नहीं हो पाता, तो वो फैट में यानी कि चर्बी में बदल जाता है। अब जब तक कुछ समय तक पेट में खाना जाएगा ही नहीं तो कार्बोहाइड्रेट होगा ही नहीं, यानी ग्लूकोज नहीं होगा, और इंसुलिन ब्लड सेल्स में ग्लूकोज डालेगा ही नहीं क्योंकि ग्लूकोज है ही नहीं, इसलिए हमारा ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा लो। और बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन अपने आप तो ग्लूकोज में बदलेगा नहीं और सेल्स में जाएगा नहीं, इसलिए इसके लिए हमारे पेंक्रियास में अल्फा सेल्स एक दूसरा हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन लीवर में जाकर बोलते हैं, मेरा मतलब है कि किसी भी सिग्नल से लीवर को बताते हैं कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रिलीज करो। इसके बाद ब्लड शुगर लेवल वापस नॉर्मल हो जाता है। इसलिए अगर आप कुछ घंटे या कुछ दिन तक खाना नहीं खाते हो तब भी आप जिंदा रहोगे, आप में एनर्जी रहेगी। एनर्जी रहेगी बोलने की, चलने फिरने की, देखने की, सुनने की वगैरह वगैरह। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। डायबिटीज़ बहुत लोगों को होती है और इस डायबिटीज़ का कारण भी इसी कहानी में छिपा हुआ है। डायबिटीज़ मेनली दो टाइप की होती है। टाइप वन में जो इम्यून सिस्टम होता है वह अपनी ही बॉडी के पेंक्रियास के सेल्स को ख़त्म करने लगता है, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि पेंक्रियास के सेल्स ही इंसुलिन रिलीज करते हैं, इसलिए बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाते, या बनते भी है तो उतने नहीं बन पाते जितने चाहिए होते हैं। मतलब कि मान लो कि ब्लड में 50 ग्लूकोज है लेकिन इंसुलिन सिर्फ 20 है, तो 20 इंसुलिन 20 ग्लूकोज को सेल्स में डाल देंगे या कुछ ग्लाइकोजन में बदल देंगे, लेकिन बाकी 30 ग्लूकोज उनका क्या? वो 30 ग्लूकोज ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, यानी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा। ये टाइप 10% लोगों को होता है। वैसे ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यंग लोगों को होता है। इसमें बॉडी के सेल्स इंसुलिन के प्रति कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी कुछ रिएक्ट नहीं करते। आखिरकार इस केस में भी इंसुलिन उतने नहीं बन पाते
जितने बॉडी को चाहिए होते हैं, इसलिए इसमें भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। ये टाइप 90% लोगों को होता है, अक्सर ये ओल्ड एज में होता है। तो अगर आपको भी मेरी तरह क्वेश्चनिंग करने की आदत है तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ये जो ग्लूकोज है ये शुगर है, तो हमारे घर में जो शक्कर यूज़ होती है वो भी तो शुगर है, यानी वो भी ग्लूकोज है। मैंने आपको शुगर के बहुत से प्रकार बताए थे। इसमें जो सुक्रोज है इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, यानी वो शुगर जिसे घरेलू चीज़ों में उपयोग करते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि सुक्रोज डाइसैकेराइड यानी कि दो अणु वाली शुगर की कैटेगरी में है, जिसमें एक अणु ग्लूकोज का है और दूसरा अणु फ्रुक्टोज का। सुक्रोज गन्ने या चुकंदर से मिलता है, तो इसमें ग्लूकोज होता है लेकिन साथ में फ्रुक्टोज भी होता है। वैसे इस दुनिया की हर चीज़ में मिलावट आने लगी है, क्या बता शक्कर में कुछ और। समझ रहे हो ना?